अरे पतलू, गुड़ ना बंद करो, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। तो हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मोटू पतलू के लिए जलेबी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे मैदा। यहाँ पे हम मैदा ले लिए हैं और एक चम्मच डालेंगे इसमें घी। अब इसमें डाल रही हूँ इनो, थोड़े से इनो डालेंगे और पानी और इसको हम लोग अच्छे से मिला देते हैं और इसमें हम लोग पानी डालकर अच्छे से इसको मिला लिए हैं। तो अब हम चाशनी की तैयारी करते हैं, चाशनी बनाते हैं। और इस पे हमने चढ़ा दिया है पतीला और इसमें डालेंगे हम लोग और इसमें डालते हैं पानी। चाशनी हम लोग पहले बना लेंगे ताकि जलेबी छने और इसमें हम लोग गरम गरम डालेंगे और इसमें हम डालते हैं चीनी। अब हम इसमें डालेंगे, उसमें हमने शुगर डाला है और इसमें हम लोग जलेबी का कलर आए उसके लिए हम लोग इसमें रंग को डालेंगे और हम इसमें डालकर कलर हम लोग इसको लगातार कंटिन्यू चलाएंगे। ये मैदा जो हमने तैयार किया है इसको हम लोग जलेबी तलेंगे, तो इसको हम लोग एक कैरी में डालकर जलेबी बनाएंगे। A few minutes later. तो दोस्तों ये हमारा चाशनी है बनकर तैयार और अब हम इसको उतार लेंगे और जलेबी को तलेंगे और इसमें डालेंगे रिफाइंड। क्या रहे हम जलेबी, अब हम इसको लाल कर रहे हैं और इसको हम लोग अच्छे से धीमी धीमी आंच में लाल करके, इधर इस तरफ लाल होगा तो हम लोग इसे पलटेंगे। तो हमारा जलेबी जो है वो बन रहा है और देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों। और अब हम इसको पलट दिए हैं और जैसे ही ये लाल होता है इसको हम लोग निकाल लेते हैं। A few moments later. तो ये हमारा जलेबी बिल्कुल लाल हो चुका है और अब हम इसमें चाशनी में इसको डालेंगे। और ये जलेबी हमारा बनकर है तैयार और अब हम मोटू पतलू को सर्व करेंगे और ये जलेबी खाकर मोटू पतलू काफी खुश होने वाला है। तो मोटू, जलेबी, पतलू और बताओ खाकर कि कैसा बना है। अरे मोटू जरा मुझे भी तो बताओ ये जलेबी कैसी बनी है। अरे पतलू ये जलेबी तो बहुत टेस्टी है,